अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारा प्यारा चंदा मामू जो हमारी ज़मीन की जान है। अगर हमारा चांद ज़मीन से रूठ कर उससे थोड़ा सा दूर जाता है तो हमारी ज़मीन का दिल टूट जाएगा और इस दिल टूटने की वजह से हमारी ज़मीन पूरी तरह से टूट जाएगी। और इसी चांद की वजह से हम इंसान ज़मीन पर जिंदा हैं। इसकी दो साइड्स हैं, एक नियर साइड्स और दूसरी फार साइड्स। जिस साइड्स को हम देखते हैं उसे नियर साइड्स कहते हैं और इस साइड्स को हम बचपन से देखते आए हैं और इसकी दूसरी साइड्स को फार साइड्स कहते हैं जिसे हम आज तक नहीं देख पाए, उसे डार्क साइड भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने जाने की कोशिश की लेकिन कोई भी कंट्री नहीं जा पाई, लेकिन उन सब में से चाइना वाहिद मुल्क है जिसने उस साइड पर लैंड किया। और वहाँ पर उसने एक ऐसी चीज़ को दरियाफ्त किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या सच में चांद की दूसरी साइड पर एलियंस रहते हैं? आखिर चांद की दूसरी साइड पर क्या है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1969 में जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के नज़दीक पहुँच रहा था, उस वक़्त बज़ ऑल्ड्रिन ने विंडो के बाहर एक रोशनी देखी जो उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रही थी। उन्होंने इस बात का कंट्रोल सेंटर को नहीं बताया। उन्होंने सोचा अगर वो इसे नासा को बताएंगे तो वो उनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और उन्हें पागल करार दे दिया जाएगा। लेकिन मिशन खत्म होने के बाद उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने ये कह दिया कि उन्होंने उस दिन चांद पर क्या देखा। शायद वो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो उनका पीछा कर रहा था। इस बात पर तो लोगों ने उस वक्त यकीन नहीं किया। नासा ने अपोलो 11 मिशन में चांद की कुछ तस्वीरें जारी की जिनमें चांद की सतह की कुछ तस्वीरों में इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर भी नजर आते हैं, जैसे सैटेलाइट डिश, न्यूक्लियर रिएक्टर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ मिलिट्री बेस लाइक स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या सच में इन चीजों को इंसानों ने बनाया था या फिर ये आंखों का धोखा था? जैसे हमें जमीन पर बादलों की शेप में चीजें नजर आती हैं, अगर बात करें उन तस्वीरों की तो उस वक़्त की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उस वक़्त के कैमराज इतने एडवांस थे और ना ही उस वक़्त के कंप्यूटर इतने अच्छे थे। मिसाल के तौर पर अपोलो 11 के गाइडनेस कंप्यूटर ही सिर्फ 4 KB की रैम और 32 KB की हार्ड डिस्क पर चला करते थे। और आप ये सोच सकते हैं कि इतनी और टेक्नोलॉजी के साथ चांद पर जाने में कितना खतरा हो सकता है और इतनी और टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने वहाँ पर क्या डिस्कवर किया होगा। चलो मान लेते हैं कि 1969 में जो तस्वीरें खींची गई और जो आंखों से देखा गया वो आंखों का धोखा हो सकता है, तो फिर उसे क्या कहना चाहिए जिसे 2019 में चाइना के चैंग ई फॉर्मेशन में U22 मून रोवर ने अपने कैमरे से देखा। ये चीज चांद की डार्क साइड पर मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो भेज नहीं सके। उनमें इंडिया भी शामिल है। 2013 में इंडिया वो पहला मुल्क बनने वाला था जो चांद की डार्क साइड पर लैंड करता, लेकिन रशिया इस मिशन के लिए जो लैंड रोवर बनाने वाला था वो डिले होता गया, जिसकी वजह से लॉन्च डेट 2013 से 2019 तक चली गई। उसके बाद भी लैंडर चांद से जा टकराया और इंडिया का ये मिशन फेल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया से पहले 2018 में चैंग ई स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा जिसका मकसद भी चांद की डार्क साइड को स्टडी करना था, और ये उसी जगह पर लैंड हुआ। यहाँ पर इंडिया का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था और चाइना के इस रोवर ने चांद पर जालीनुमा चीज को देखा जो चमक रही थी। आमतौर पर साइंसदान इस तरह की अजीब चीजों पर पहले अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, उसके बाद ही लोगों को बताते हैं, लेकिन अमेरिका के साइंसदान इस अजीब और गरीब चीज को चांद के टुकड़े समझ रहे थे। उन्होंने फौरन ये कहना शुरू कर दिया कि वो चमकती हुई चीज शायद कांच हो सकती है, क्योंकि जब मेट्रोइड चांद से टकराते हैं तब उनसे इतनी गर्मी निकलती है जिससे चांद की रेत पिघल कर कांच में तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर वो कांच है तो वो चीज जेली जैसी क्यों है? आखिर वो चीज थी क्या? क्या वो किसी एलियन का वेस्ट है जो हमसे दूर चांद की डार्क साइड पर रहता है? और साथ ही अपोलो 11 में खींची गई तस्वीरें किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर वो इतने ज्यादा एडवांस हैं, तो वो अपन प्लेस पर ही क्यों वेस्ट कर रहे थे? अगर ये एलियन चांद की डार्क साइड पर रहते हैं तो उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? 7 अक्टूबर 1959 में यानी आज से 62 साल पहले सोवियत ने एक लूनर 3 मिशन को लॉन्च किया था जिसकी सैटेलाइट ने पहली बार चांद की डार्क साइड की तस्वीरें खींची। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि चांद की डार्क साइड कैसी दिखाई देती है।
डार्क साइड से मुराद क्या वहाँ हर तरफ काला अंधेरा है? मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लूना 3 वहाँ की तस्वीरें कैसे खींचता? असल में डार्क साइड चांद की वो साइड है जो जमीन से नजर नहीं आती। चांद की दो साइड हैं, एक डार्क साइड और दूसरी नियर साइड। आप हमेशा चांद की नियर साइड को ही देखते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी में चांद की डार्क साइड को नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह है टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग में चांद की एक साइड हमेशा हमारी जमीन की तरफ होगी और एक साइड हमेशा जमीन की दूसरी तरफ, क्योंकि जितनी देर में चांद अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है उतनी ही देर में ये जमीन के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। और जमीन को ऑर्बिट करते वक्त इसकी एक साइड जमीन की तरफ होती है और एक साइड जमीन की दूसरी तरफ। चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर 29 दिन और 12 घंटों में कंप्लीट करता है और ये अपने एक्सिस पर अपनी एक रोटेशन 27 दिन और 7 घंटों में कंप्लीट करता है। यानी चांद अपने एक्सिस पर उतनी ही स्पीड से रोटेट करता है जितनी स्पीड से ये जमीन का एक चक्कर लगाता है। इसी वजह से हम चांद के सिर्फ इस हिस्से को ही देख पाते हैं और जब ये साइड रोशन होती है तो चांद की दूसरी साइड पर अंधेरा होता है और जब दूसरी साइड रोशन होती है तो चांद की इस साइड पर अंधेरा होता है। यानी चांद की डार्क साइड हमेशा डार्क नहीं होती, वहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है। लोग पहले ये समझते थे कि डार्क साइड पर हमेशा अंधेरा ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए साइंसदानों ने इसका नाम बदलकर इसे फार साइड ऑफ द मून कहा। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि आखिर वहाँ है क्या? चांद की नियर साइड और फार साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 8 से अरबों साल पहले जब चांद पर एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी तब चांद से लावा निकलकर सतह पर आ गया था जिसने चांद की सरफेस को जला दिया, जिससे चांद की सरफेस ऐसी दिखाई देती है। इस साइड पर बहुत कम क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन चांद की फार साइड पर बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं जो नियर साइड पर मौजूद क्रेटर से बहुत ज्यादा बड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी तब चांद के लावे ने फार साइड वाली सरफेस को क्यों नहीं चलाया था, सिर्फ फ्रंट साइड वाली सरफेस को ही क्यों चलाया? तो साइंस की एक स्टडी के मुताबिक अरबों साल पहले जब थिया नाम का एक सियारा हमारी जमीन से टकराया था तब एक नहीं बल्कि दो चांद बने थे और ये दूसरा चांद चांद की फार साइड में जाकर मर्च हो गया, जिसकी वजह से चांद की फार साइड नियर साइड से मजबूत हो गई और वहाँ से लावा सतह से नहीं निकला, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। इस साइड की तस्वीरें आप ही देखें जो वाकई में बहुत खौफनाक हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या सच में वहाँ एलियंस मौजूद हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एलियंस नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो चैलिनमान चीज क्या थी जिसे चाइना ने ढूंढा था उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। उसको अभी स्टडी किया जा रहा है, लेकिन ये बात आप जान लें कि इतनी अजीब सी प्लेस पर साइंसदान एक रेडियो टेलीस्कोप लगाना चाहते हैं ताकि बिग बैंग के फौरन बाद जो भी हुआ उसे देखा जा सके। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।